डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। फाइनली गौमुख पहुंच गया है, ठीक पीछे गौमुख है मेरे, और यहाँ से जा रहा है एक रास्ता जा रहा है पीछे की ओर से, मैं दिखाऊंगा अगर तुम्हें तो। ये ठीक जो पीछे जा रहा है ना, तपोवन के लिए जा रहा है ऊपर की ओर रास्ता। और यार देख रहे हो यहाँ तक चलने के लिए रास्ता, और यार यहाँ आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी है। अभी तक का सबसे डिफिकल्ट ट्रैक लगा है और काफ़ी हाइट में, हम बहुत ज़्यादा हाइट में है, सांसें थोड़ी ज़्यादा फूल रही है थोड़े चलने में ना, बाकी इतना बड़ा है भाई साहब, बहुत बड़ा है। रुक जाओ मेरा हाथ फ्री होना, मैं ढंग से बनाऊंगा फिर। तो यार सामने देख रहे हो क्या दीवार है भाई साहब, इतना बड़ा ग्लेशियर मैंने पहली बार देखा है, कम से कम 40-50 फीट ऊंचा है, कितना बड़ा है यार। यहाँ से पीछे पूरा ग्लेशियर ही ग्लेशियर है, और कितना पानी आ रहा है। प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ा, प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ा, फूल फूलनिया फूलों की घाटी, हौस जगोनिया यूं पड़ी डानी, नंदा देवी छा हिमकुंड धामा, ओली गौमुखिया भै हरिद्वार, प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ा, प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ा, गंगा जमुना आछा बद्री केदार, प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ा, प्यारी जन्मभूमि। ज्यादा आगे मत जाना, यहीं से कर लो बस। मैं ठीक जो गौमुख ग्लेशियर है उसके सामने खड़ा हूँ, जहाँ से गंगा निकलती है, इंडिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो ये सामने अंदर से गंगा जी आ रही है, मैं पास से दिखा नहीं सकता, बहुत रिस्की है क्योंकि ऊपर से ग्लेशियर टूट के गिर रहा है। और यार कितना पिघल रही है बर्फ, मतलब कितना बड़ा ग्लेशियर हो। और जो जहाँ पर अभी हम हैं वहाँ का ना पूरा 360 व्यू दिखाता हूँ कैसा है, कहाँ पर है। अब निकल रहे हैं यहाँ से क्योंकि हमें ट्राई करेंगे आज गंगोत्री पहुँचने का। तो ऐसे ही है, पापा तो यहाँ नहा भी गए, हम गंगोत्री में नहाएंगे हरहर गंगे। तो आप फटाफट यहाँ पर हरहर गंगे करते हैं, हल्का सा छिड़के वड़के डालते हैं गंगा जी के, और फिर निकलते हैं यहाँ से। गंगा जमुना अच्छा बद्री केदार, प्यारी जन्मभूमि में। पार करें तो ये सामने भागीरथ पीक है, और जो ये दिख रहा है ना मिट्टी सा,
तो ये ढका हुआ है, तो पूरा मिट्टी नहीं है, ये पूरा ग्लेशियर है, पत्थरों से ढका हुआ है पूरा। और कितना बड़ा ग्लेशियर है यार, ये भागीरथ पीक से ही गंगा निकलती है। और देख लो यार क्या खतरनाक सा हुआ है, पूरा ग्लेशियर के पत्थर है चारों तरफ। और सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है ना, जो हवा पड़ रही है ना ठंडी ठंडी, तो वो दिक्कत दे रही है ज़्यादा। और यार लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो यार, मतलब तुम्हें बोलना पड़ता है, नीचे लाल बटन है उसे क्लिक कर दो सब्सक्राइब का। और गौमुख के बारे में फुल डिटेल चाहिए कि कैसे कहाँ से परमिशन मिलेगी, कैसे जाना है, कहाँ रुकना है, तो मैं वीडियो आई बटन में डाल देता हूँ इस वीडियो के बाद, उस वीडियो को देख लेना। हमने एक पंगे ले लिए, अभी दिक्कत ये है कि 4 बज रहा है, अंधेरा हो जाएगा, और हमें भोजवासा से गंगोत्री जा रहे हैं अभी, और काफ़ी डिस्टेंस है, बहुत देर हो जाएगी पहुँचते पहुँचते। ट्राई कर रहे हैं कितनी देर तक तो पहुँचते हैं और क्या होता है हालत रास्ते में। एक तो ये ट्रैक ऐसा है ना, डाउन अप ऐसा है, तो वही है, वरना हम रुक सकते थे अगर हम पे टाइम होता एक दिन तो, वो जो ऐसा। और बट कोई नहीं, मज़ा बहुत आया, पूरा ऐसा ट्रैक है खतरनाक वाला। और जैसे जैसे लाइट जा रही है ना, बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां, गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड। देख रहे हो यहाँ कई किलोमीटर तक ये जितने पेड़ देख रहे हैं ना, ये फैले पड़े हैं, भोजपत्र के पेड़ हैं। इंडिया का सबसे बड़ा भोजपत्र का फॉरेस्ट है, यहाँ पर सारे बस भोजपत्र के पेड़ हैं, और कोई नहीं है, और कुछ नहीं है। क्या लाइट सी आ रही है, देख रहे हो, अब शोर करते हुए जा रहे हैं क्योंकि अंधेरा हो गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम। और सबसे ज्यादा डर पता किस चीज का है, स्नो लेपर्ड का, तो इसलिए शोर करते हुए जा रहे हैं बहुत। क्या क्या कह रहे हैं, ये मोबाइल का वो है टॉर्च। क्योंकि हम ही जा रहे हैं बस, और कोई नहीं जा रहा, और समय जा रहे हैं काफी। अब जाते हैं गंगोत्री पहुंचे हैं, ये टेंपल है सामने। और अभी सबसे पहले खाने का वो करना है, टाइम 9:30 हो गया और बदन पूरा टूट चुका है यार, और अभी खाएंगे वगैरह करेंगे, खाएंगे पियेंगे और फिर उसके बाद सोते हैं और सुबह मिलते हैं यार, अब बदन बहुत टूट गया है।